आइए रुक करते हैं इस वक्त के कुछ खास अपडेट्स की ओर। योगी आदित्यनाथ को मिली बम से उड़ाने की धमकी। धमकी देने वाले ने कहा 5 दिन के अंदर सीएम योगी को बम से उड़ा दूंगा। जी हां, सीएम योगी को दी गई है बड़ी धमकी। अनिरुद्ध पांडे नाम के व्यक्ति ने दी योगी को जान से मारने की धमकी। बताया जा रहा है कि ये युवक प्रयागराज का रहने वाला है। प्रयागराज के इस लड़के ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा कि योगी जी को बम से उड़ा दूंगा, और इसके बाद योगी आदित्यनाथ को हत्या की धमकी दी। इसके बाद इसने अपने इस पोस्ट में यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ प्रयागराज की डीएम और पुलिस कमिश्नर को भी टैग किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी अनिरुद्ध को गिरफ्तार कर लिया है। रामदेवरा के लिए कल से चलेगी स्पेशल ट्रेन, आसान होगा श्रद्धालुओं का सफर। जयपुर से खास खबर, बाबा रामदेव के भक्तों के लिए रेलवे से बड़ी खबर सामने आ रही है। अब श्रद्धालुओं के लिए रामदेवरा में बाबा रामदेव के दर्शन करना आसान होगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे स्पेशल ट्रेन शुरू करने जा रहा है। इस ट्रेन का संचालन 20 जुलाई से 5 अगस्त तक किया जाएगा। इस अवधि में ये ट्रेन कुल 17 ट्रिप करेगी। इससे श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। संसद के आगामी मानसून सत्र में केंद्र सरकार 6 नए विधेयक पेश करने जा रही है। मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 6 नए विधेयकों में आपदा प्रबंधन कानून में संशोधन शामिल होगा। 6 नए विधेयकों में वित्त विधेयक, आपदा प्रबंधन विधेयक, बॉयलर विधेयक, भारतीय वायुयान विधेयक, कॉफी संवर्धन एवं विकास विधेयक और रबड़ संवर्धन एवं विकास विधेयक शामिल है। अभिषेक बच्चन के तलाक का पोस्ट लाइक करने के बाद पिता अमिताभ का पोस्ट, कहा सिर्फ काम ही है प्रोत्साहन। अमिताभ बच्चन के परिवार में अनबन की खबरें काफी समय से सामने आ रही हैं। इस बीच हाल ही में अभिषेक बच्चन ने एक तलाक का पोस्ट लाइक किया। इसके बाद इन खबरों को और हवा मिल रही है। अब अभिषेक के उस पोस्ट को लाइक करने के बाद बिग बी ने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि काम ही जीवन का एकमात्र प्रोत्साहन है। श्रीलंका दौरे के लिए 3 मैचों की वनडे सीरीज और इतने ही मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। वनडे में रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी हुई है। ऐसे में टीम की कमान रोहित शर्मा को मिली है, जबकि T20 में सूर्य कुमार यादव को कप्तानी सौंपी गई है। इस फॉर्मेट में शुभमन गिल टीम के उपकप्तान होंगे। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं।